वेलकम बैक टू वीडियो गाइस। आई नो कि वीडियो एक वीक लेट हो गई है, उसके लिए भी लेट रीजन था, बट डोंट वरी गाइस, इसको कंपेंसेट करने के लिए इस दो वीडियोस आएंगी। विदाउट फर्दर एडियो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ये हमारे सीरीज का थर्ड वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर के बारे में। सो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस के बाद अब सबको एक्सपेक्टेशंस थॉर की मूवी से लगी, और अगर बात थॉर की होगी तो उसके विलेन गॉड की भूल सकते हैं। गॉड एमसीयू सबसे खतरनाक विलेंस में से एक है, चाहे वो को कॉमिक्स के ही स्टोरी लाइन की बात करें। हालांकि अगर हम मूवी की गॉड की बात करें तो फैंस को गॉड का लुक उतना पसंद आया क्योंकि वो लुक कॉमिक एक्यूरेट नहीं है। लेकिन इसको कितना भी कहा जाए, लेकिन अगर थॉर की मूवी में उसकी गॉड के साथ केमिस्ट्री अच्छे से नहीं समझाई जा सके तो ये मूवी का कोई पॉइंट नहीं रह जाता। फिर कॉमिक्स में भी गॉड से लड़ने के लिए थॉर के तीन वर्जन्स को आना पड़ा था, हमारे वाला थॉर, बूढ़ा थॉर जो कि ओडिन जैसा दिखता था, और टेनिस थॉर। हो सकता है कि इस मूवी में भी हमें इस थॉर के तीन वर्जन जो कि ट्रेलर में रिवील नहीं किया गया है। एक और बात जिसे फैंस को कंफ्यूजन है मूवी के परफॉर्मेंस को लेकर, वो है इस मूवी के डायरेक्टर टाइका वाटीटी। उन्होंने इसके पहले थॉर रैग्नारोक डायरेक्ट किया था जिसने अच्छा अर्निंग किया था, लेकिन इस मूवी का पूरा टोन चाइल्डिश लग रहा था, जो कि आप सब भी मानोगे। चाहे हम थॉर के साथ हेला के फाइट की ही बात क्यों ना करें, भाई वो हेला है गॉड ऑफ डेथ, और दूसरी तरफ है हमारा गॉड ऑफ थंडर, और टाइका भाई साहब ने दोनों को ही कैरेक्टर्स को काफ़ी सप्रेस करके दिखाया था। अदरवाइज कलर्स की बात करें तो वो मूवी काफ़ी ही प्लेजर थी। हम लोगों को एक बहुत ही है कि ये थॉर लव एंड थंडर के साथ भी जस्टिस करेंगे और कलर्स और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगी। अब थॉर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका इवेल्युएशन बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के साथ हुआ है। जब भी उसके अंदर कुछ बड़ा बदलाव आया है तो सिर्फ किसी के मौत के बाद आया है, तो आप समझ सकते हैं कि थॉर के साथ एक पनौती वाला इमेज चिपका हुआ है। अब इस मूवी में जो थॉर को हम देखते हैं वो पहले से ही काफ़ी कुछ झेल चुका है। उसने ओडिन को खोया, अपनी माँ को खोया, लोकी को खोया, और तो और पूरा एसगार्ड को ही खो दिया, तो ये काफ़ी नेचुरल सी बात है कि वो काफ़ी डिप्रेस्ड रह रहा है। ये हमें उसके बॉडी वेट को देखकर समझ आ जाता है, लेकिन इस मूवी में वो खुद को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो अपने पुराने फॉर्म में आने की कोशिश कर रहा है, और स्टोरी उसके ट्रांसेंड से लेकर उसके माइटी थॉर यानी कि जेन से मिलने की तरफ इवॉल्व करेगी। दोनों वैल्करी के साथ मिलकर सारे गॉड को वार्निंग देने जाएंगे कि गॉड बुचर आ रहा है उन सबको मारने के लिए, और जो कि हमने ट्रेलर में भी इसकी झलक देख चुकी है। बाय द वे, अगर अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आई लव यू। के अंदर एक फैक्टर मूवी का रन टाइम भी आ जाता है, जैसा कि हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा कि जब ये बात लीक हुई मूवी का ऑलमोस्ट 40 मिनट्स काट दिया गया है, तो इसके भी मूवी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और बाकी सब तो हमारे टाइका वाटीटी भैया पर डिपेंड करेगा। और तुम लोग को क्या लगता है, क्या हमें इस मूवी में भी थॉर रैग्नारोक जैसे ही कुछ देखने को मिलेगा? क्या इसमें कोई कैमियो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। ऑल्सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप मेरी तरह गॉड के कैरेक्टर को लेके एक्साइटेड हो या नहीं, आप मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर बताना, बिकॉज ये वो विलन है जिसमें काफ़ी पोटेंशियल है अगर इसको सही से इस्तेमाल किया जाए, और मूवी में उसका यूज़ अच्छे से हुआ तो वो बंदा लिटरली एमसीयू को फॉरएवर चेंज कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं इसी वीक एक और नए वीडियो के साथ इसी सीरीज़ के, और इस बार पक्का है ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। Thanks a lot for watching.